थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आज आपके सामने पाकिस्तानी क्रिकेट का एक ऐसा नाम लेकर आ रहा हूँ जिसने अपना मुकाम अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाया। 1996 से लेकर 2007 तक मुतअद्दिद मौकों पर इन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट, ODI और T20 के अंदर रिप्रेजेंट किया। ये लीग्स भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। इंसान में अगर कुछ करने का जज्बा हो इंसान कर गुजरता। ये पाकिस्तान के कैसे प्लेयर हैं जिन्होंने अब काफ़ी स्ट्रगल्स की अपने प्लेइंग कैरियर के दौरान और इससे पहले भी। आज इनके प्लेइंग कैरियर से मुतालिक कुछ स्ट्रगल्स जो इन्होंने फेस की पाकिस्तानी टीम के अंदर और इन्होंने कैसे उसको काउंटर किया, आज हम इन्हीं की जुबानी इनसे जानते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान के सबक टेस्ट फास्ट बॉलर शमी नज़ीर। और इसके अलावा अभी तक अगर आपने मेरा चैनल द एक्सप्लिसिट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करें। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक एज वेल। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरा जो चैनल है द एक्सप्लिसिट एनालिसिस यूट्यूब पे उसके लिए थोड़ा सा अपना टाइम निकाला। शाहिद भाई, हमारा जो चैनल है ये वाला, इसकी बेसिकली जो इसके पीछे लॉजिक है बनाने का और इसको डेवलप करने का, उसका यही है कि हम आप जैसे माशाल्लाह प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन लोगों को लेके आए और उनसे उनके जो प्लेइंग करियर था उसके दरमियान के कुछ हिडन फैक्ट्स या हिडन ट्रुथ्स जो है वो लेने की कोशिश करें। तो उसमें आज हम थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे, आप जिनका भी जवाब देना मुनासिब समझें, इट्स अप टू यू। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन जो है वो आपसे यही होगा कि हम देखते हैं कि आपने 1996 में अपना करियर स्टार्ट किया, पहले मैच में आपने 7 विकेटें जो है वो लीं जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर उसके बाद मुसलसल 4 साल आप कौमी टीम के साथ रहे। आपने इन 4 सालों में 8 टेस्ट मैचेस और 18 के करीब ODI जो पाकिस्तान की तरफ से खेले, मगर 4 साल के दौरान ये स्टैट्स जो हैं ये मुझे लगता है कि आपके जो टैलेंट था या जो उसके साथ इतना जस्टिस नहीं कर पाते। तो क्या आप समझते हैं कि वसीम अकरम या वकार यूनस की मौजूदगी में वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया या कुछ उसके पीछे कुछ और अवामिल थे, तो आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, 96 में मेरा डेब्यू है। सबसे पहले आपको पता है कि वनडे में मेरा डेब्यू हुआ था इंग्लैंड में, जब 96 में टीम इंग्लैंड टूर पे गई थी, तो वहाँ पे एक वनडे में पूरे उस टूर में मुझे सिर्फ एक वनडे मिला था। उसके बाद जब वापस आए तो फिर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मुझे टेस्ट में चांस मिला और जैसे कि आपने कहा कि 7 आउट मैंने किए थे। ओवरऑल अगर मैं अपने कैरियर की बात करूं तो 96-97 में मैं श्रीलंका में अनफिट हुआ और तकरीबन 1 साल टीम से आउट रहा। उन दिनों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अच्छे स्पोर्ट्स के डॉक्टर्स नहीं थे और एकेडमी सिस्टम भी नहीं था कि जहां रख के प्लेयर्स को आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो या टेक केयर करते हो, तो वो अपने घर पे रह के अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर्स के साथ आपने चलना होता है। तो वो काफ़ी मेरी इंजरी इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ले गई। लेकिन फिर मैंने कम बैक किया तो 2001 तक फिर मैं खेला, लेकिन मुझे अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ 4 से 5 मैच इकट्ठे मिले हों, बल्कि बाज़ का तो 2-2, 3-3 टूर्स ऐसे ही बगैर मैच के भी गुजर जाते थे, टीम के साथ रहता था। हालांकि मैं वसीम भाई की लाइकिंग में भी था, जब भी मौका मिलता था अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था अच्छी बॉलिंग करने की, लेकिन जो कंटिन्यूसली किसी भी प्लेयर को चांस मिलता है और वो कंटिन्यूसली मैच खेलता है, इस तरह का सीन नहीं हो पाया उन दिनों में। आपको पता है वसीम भाई थे, विकी भाई थे, उसके बाद शुएब अख्तर आ गया, फिर साथ अज़र महमूद आ गए, फिर उसके अलावा रज़ाक भी उन दिनों में आ गए टीम में, फिर इस तरह ये ऑन एंड ऑफ़ भी रहा और कंटिन्यूसली चांस भी ना मिल सका। तो अगर ये इस पीरियड में जो मेरा गोल्डन टाइम था अगर मुझे प्रॉपर चांस मिलता तो शायद मैं कुछ ज़्यादा क्रिकेट खेल जाता। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ। और हम इसके अलावा अगर देखा जाए तो 10 फरवरी 2000 को श्रीलंका के खिलाफ आपने जो ODI खेला
उसके बाद आपको ओडीआई के अंदर चांस नहीं दिया गया। गालिबन ये आज से 20 या 21 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। आपने आखिरी दो ओडीआई जो खेले उसके अंदर आपने 3 विकेट्स ली इस परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद आपको वनडे के लिए जेरे गौरी ना लाना और यकदम निगलेक्ट कर देना, आप क्या समझते हैं इसमें बोर्ड की चेंजेस थी या इसके अलावा कुछ बैकडोर पॉलिटिक्स थी या बोर्ड जो है उसके चेयरमैन चेंज हो गए थे या टीम के अंदर जो लॉबीज थी उन्होंने अपना रोल प्ले किया, कुछ ना कुछ तो शाहिद भाई था इसमें। जी, इसमें कोई शक नहीं है। 2000 श्रीलंका जब पाकिस्तान आई थी तो मैं कराची वनडे खेला था, तो मैंने 3 आउट किए, फिर उसके बाद मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर आपको पता है बोर्ड में चेंजिंग आ गई थी, मैनेजमेंट सारी चेंज हो गई, तकीर ज़िया साहब आ गए, फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोग ले आए, जैसे चीफ़ एग्जीक्यूटिव में रमीज़ राजा थे, चीफ़ सिलेक्टर में आमिर सुहेल थे, ये सारी लॉबी वसीम अकरम के अगेंस्ट लॉबी थी। लेकिन मैं इनकी थिंकिंग पे हैरान हूँ कि इन्होंने जितने लोग जितने लड़के वसीम अकरम की लाइकिंग में थे उनको तो टीम से निकाल दिया, लेकिन वसीम भाई को खिलाते रहे। भाई अगर आपकी उनके साथ नहीं बनती थी तो आप सबसे पहले उनको टीम से निकालो, बाकी यंग प्लेयर्स का क्या कसूर था, उनको आपने टीम से, इन्होंने 3 से मेरे ख्याल 3 साल तक हमें ना किसी कैंप में ना किसी जगह पे कॉल किया ना बुलाया। चलो हम हर साल परफॉर्म करते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो हमें कम से कम कैंप तक ही बुलवा लेते। तो मैं फिर बड़ा इजी होके रिलैक्स होके अपनी लीग क्रिकेट शुरू कर दी इंग्लैंड में और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था। मैं सोचता ही नहीं था कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, क्योंकि अगर इस तरह के लोग आगे बैठेंगे और इस तरह के फैसले करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान में जो इन लोगों की वजह से, इस तरह के लोगों की वजह से डिसहार्ट हुए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलने का जेन से निकाल दिया था। वो अपनी डोमेस्टिक खेलते थे, जाके लीग खेलते थे और अपना एंजॉय करते थे और वापस आ जाते थे। तो इस तरह ये 3 साल, उसके बाद फिर एक और साल, यानी 4 साल तक मुझे टीम 2000-2001 से लेके 2005 तक मैं बाहर रहा। फिर 2005 में मैंने पूरे पाकिस्तान में डोमेस्टिक में टॉप किया, हालांकि मैं हर साल आउट करता था लेकिन टॉप नहीं करता था, लेकिन टॉप किया तो फिर थोड़ा मीडिया पे शोर हुआ और फिर मेरे दोबारा टीम में आने का रास्ता थोड़ा खुला। लेकिन ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं और बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं जिनके साथ हुआ और उनको टीम में, बेचारों को कोई एक मैच खेला, कोई दो खेला और फिर दोबारा कभी भी टीम में नहीं आ सके। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। इसके अलावा मैं अच्छा इसमें अच्छा एक और चीज इसमें ऐड करना इसमें चाहूंगा। इसमें इसमें इस्मान एक और बात मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में आपको पता है लाइकिंग डिसलाइकिंग सबसे ज़्यादा है, जिसको जिस जो नई मैनेजमेंट भी यहाँ एक टिकती नहीं है, कभी आप एक ही बोर्ड के नीचे दो दो तीन तीन दफ़ा मैनेजमेंट चेंज हो जाती है या दो दो तीन दफ़ा सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो जो नई टीम आती है वो अपने जेन के मुताबिक आती है, उन्होंने ये नहीं देखना कि पहले जो टीम चल रही है वो वहाँ पर लड़के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी थिंकिंग लेके आते हैं, अपने जेन के मुताबिक अपनी लाइकिंग की टीम के प्लेयर्स लेके आते हैं। तो वो बिल्कुल ये नए प्लेयर लाते वक्त ये सोचते भी नहीं है कि जो पहले से टीम में खेल रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है और वो किस तरह टीम में सेट हैं नहीं सेट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग और फिर लॉबिंग, आपको पता पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि जो जो टीम में आपको पता है हमेशा से 2 से 3 ग्रुप बन जाते हैं और जिसकी लॉबी तगड़ी रहती है उसके प्लेयर खेलते रहते हैं, बाकियों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। और इस ये चीज़ उसके साथ मैंने इसलिए बताई है कि ये फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया, जिन्होंने बहुत अरसा और कर रहे हैं अभी भी। जी बिल्कुल शाहिद भाई, इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करूंगा। जब आपको 2000 में टीम से ड्रॉप किया गया श्रीलंका के बाद और बोर्ड चेंज हुआ, उस जमाने में हम देखते हैं कि वकार यूनस जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी रही हैं वो बोर्ड के खासे करीब हो गए थे और जितने भी प्लेयर्स थे वसीम अकरम के जो लाइकिंग में थे, जिस तरह आपने पहले मेंशन किया, हमने उनको 2001 2000 से लेके 2004 तक देखा ही नहीं सिवाय वसीम अकरम के, जिन्होंने 2003 में रिटायरमेंट ले ली वर्ल्ड कप के बाद। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें पाकिस्तान को बहुत हर्ट करती रही, दैट इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट। शाहिद भाई, पाकिस्तान में बहुत ही कम देखने में ऐसा आया है कि एक प्लेयर जो टीम से ड्रॉप हुआ हो उसने 5 या 6 साल के बाद अपना कम बैक किया हो। माशाल्लाह आपके केस में आप काफी लकी रहे कि यू मेड अ कम बैक आफ्टर 6 ईयर्स, यू नो लाइक यू प्लेड योर लास्ट ओडीआई इन 2000 एंड देन यू
अनाउंस लाइक योर नेम वॉज अनाउंस इन द टीम इन बैक इन 2006 ऑन द टूर ऑफ इंडिया. पहले आपका नाम इंडिया के टूर में आया, उसके बाद आपको वेस्ट इंडीज ले जाया गया, मगर आपको मैच कोई नहीं मिला. 6 साल के बाद जब आप टीम में आए और इन दो टूर्स में आपको कोई मैच नहीं मिला, तो क्या कोई इधर भी कोई प्लेयर्स या कैप्टन्स की कोई अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग का चक्कर था या कुछ और था? जी बिल्कुल, 2005 में मेरा कम बैक हुआ था इंडिया टूर जब था, लेकिन उससे पहले एक ए टीम का टूर था श्रीलंका में. पहले मेरा नाम उसमें आया, मैं वहाँ गया, वहाँ बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, तो फिर वहाँ से मेरा नाम पिक हुआ इंडिया टूर पे जो पाकिस्तान टीम थी उसकी वनडे स्क्वाड के लिए. तो मैं श्रीलंका से फिर पाकिस्तान आया और यहाँ से फिर मैं इंडिया चला गया. ये 2005 की बात है. 2005 में इंडिया टूर पे गया तो मुझे कोई मैच नहीं मिला, फिर वापस आ गए वेस्ट इंडीज़ टूर पे गया तो वहाँ भी कोई मैच नहीं मिला. जब मैं उसमें एक आपको बात शेयर करता हूँ कि जब दो मैच रह गए थे वनडेज़, तो मैंने इंजी भाई से कहा कि इंजी भाई टेस्ट मैच भी ख़त्म हो गए हैं, वनडेज़ भी ख़त्म हो रहे हैं, तो मुझे चांस दें, मुझे भी खिलाएं. मैं ना इंडिया में मुझे चांस मिला ना यहाँ पे चांस मिला, तो आप मतलब मुझे चांस मिलना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे विकेट्स ऐसी हैं वैसी हैं. मैंने उन्होंने कहा कि जैसी भी विकेट्स हैं सबके लिए एक जैसी हैं, आप मुझे चांस देंगे तो पता चलेगा ना कि मैं बॉलिंग ठीक करता हूँ या नहीं. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये यहाँ पर तो अभी, अब उन्होंने कहा कि अभी आपको यहाँ पे तो चांस नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लैंड की टीम आ रही है तो आपको वहाँ पे चांस दूंगा. मैं चुप कर गया. मैंने कहा ठीक है. जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पे इंग्लैंड की टीम आई, तो मैं टीम से ही आउट था उस वक्त. यानी पहले तो मैं टीम स्क्वाड के साथ था, लेकिन उस वक्त वादे के बाद मैं टीम से ही बाहर हो गया. तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह की चीज़ें तो साथ साथ हमेशा से मेरे साथ चलती रही हैं. अच्छा, उसके बाद फिर जब हम, जी जी मुझे अच्छी तरह याद है शाहिद भाई, आपको इंडिया के वेस्ट इंडीज के टूर में एक गालबन उस दौर के किसी जर्नलिस्ट ने इंजमाम से क्वेश्चन किया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि आप शाहिद नज़ीर को इंडिया लेके गए, उसके बाद वेस्ट इंडीज लेके गए, आपने उन्हें क्यों नहीं चांस दिया. जवाब में उन्होंने एक बड़ी निराली और बड़ी अनोखी सी मंतिक पेश की, जिसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लॉजिक या किसी किस्म का कोई सेंस बनती थी. उन्होंने ये लॉजिक पेश की कि जी राणा नवीद और शबीर को बाहर बिठाकर शाहिद नज़ीर को मैच नहीं खिलाया जा सकता, पहली बात. दूसरी बात कि उधर सिर्फ दो टेस्ट मैचेस थे, अगर तीन टेस्ट मैचेस होते तो हम उसको भी दे देते. यहाँ पे 42 प्लेयर्स अनाउंस हो रहे हैं और उसमें मेरा नाम नहीं है. तो इंजी भाई ने मुझे कहा कि अच्छा यार मुझे तो पता नहीं है. मैंने कहा नहीं, आपने ही बनाई होगी, जाहिर आप कैप्टन हैं. तो उन्होंने कहा अच्छा चले मैं देखता हूँ. तो उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि ये तो मैं अगर 42 प्लेयर्स में भी नहीं हूँ तो इसका मतलब है मैं तो फिर नहीं खेल सकता. तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ. मैंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कजाफी स्टेडियम के सामने, तो मैंने वहाँ पे फिर सिलेक्टर्स पे भी बोला, कैप्टन पे भी बोला, टीम मैनेजमेंट पे भी बोला, कि मैंने कहा कि ये किस तरह के तरीके से ये सिलेक्शन करते हैं कि जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है उसको आपने 42 प्लेयर्स में भी नहीं रखा. मैंने काफ़ी खैर बात की उस पर. तो उसके बाद अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो अगले दिन फिर मुझे बोर्ड से फ़ोन आ गया कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो और आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते. मैंने कहा कि मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्रिकेट खेलनी है. पहले मैंने कहा 4-5 साल आपने मुझे बाहर रखा है विदाउट एनी रीज़न. अब अगर मैंने कम बैक किया है और परफॉर्म करके कम बैक किया है तो आप फिर मुझे नहीं खिला रहे और फिर टीम से बाहर हूँ और बाहर से बाहर निकाल दिया. तो मैंने कहा मैं तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करूँगा ना, फिर और मैं क्या करूँगा. तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको हम कैंप में ले रहे हैं. तो फिर इस तरह मेरा इंग्लैंड टूर के कैंप में, कैंप ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, कुछ एक का दो दिन रहते थे या 3 दिन. तो फिर मुझे कैंप में डाला और मुझे उस टूर पर लेके गए. वहाँ जाके भी पहले एक प्रैक्टिस मैच था, वो मैं आपको बताता हूँ. प्रैक्टिस मैच था, 2 डे मैच था, उसमें सारे बॉलर्स खेले, सारे बैट्समैन खेले. प्रैक्टिस मैच था तो इसलिए सारे खेले ताकि सबकी प्रैक्टिस हो सके. तो उस मैच में भी मैंने 5 आउट किए, एक आउट शायद आसिफ ने किया और एक समी ने और दानिश कनेरिया ने 1 या 2 आउट किए थे.
तो अब मुझे लग रहा था कि मैं पहला टेस्ट खेलूंगा क्योंकि मैंने साइड मैच में परफॉर्म किया हुआ है, तो लेकिन पहले टेस्ट में भी मैं नहीं खेला, फिर दूसरे टेस्ट में भी नहीं खेला, जब पाकिस्तान हारा तो फिर मुझे तीसरे टेस्ट मैच में इन्होंने चांस दिया। उसमें भी आपने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट्स लिए थे और टोटल आपने 4 विकेट्स लिए थे उस मैच में, और फिर उसके बाद चौथा मैच जहां से इंजमामुल हक की कैप्टेंसी का आप ये कह लें कि जवाल या जो होता है जो वो उस उनकी कैप्टेंसी उसके बाद इस तरह वो बोर्ड के फेवरेट भी नहीं रहे, जहां पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी कि टीम को वो अंदर ले गए थे मैदान से, मतलब के छोड़ के उसमें आपके जो पेविलियन है उसमें ले गए थे, और वो मैच कंप्लीट नहीं हो सका, मगर उस मैच में भी आपने 2 विकेट्स लिए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। बहरहाल ये देखें जी, अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ करने वाली जात है, अल्लाह ताला की आप दोबारा 6 साल के बाद कम बैक करने के बावजूद 7 टेस्ट मैचेस में आपने दोबारा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, दैट इज अगेन एन ऑनर, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अच्छा ये जो उसमें पॉलिटिक्स उसमें और ये लाइकिंग्स। जी, आपको मैं पॉलिटिक्स की जैसे आपने अभी बात की वो बताता हूँ कि जब आपको याद होगा 2007 का वर्ल्ड कप था जो वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा था, तो उसमें आपको पता है कि रजाक भी अनफिट हो गए थे और आसिफ और शुएब भी इंजर्ड थे, इंजर्ड डिक्लेयर किया था उन्होंने अपने आप को, ये तीनों आपको पता है टीम से आउट हो गए थे। तो मैं, उमर गुल मेन जो आपको पता है नया बॉल करने वाले बॉलर पीछे बचे थे, तो पूरे कैंप में बॉब उल्मर ने मुझे और उमर गुल को नया बॉल करवाया, और उन्होंने हमें एक तरह से रोज़ाना बिठा के हमें प्लान बताते थे कि आपने वहाँ पे नया बॉल करना है, इस तरह करना है, ये टीम होगी, इस तरह पूरी तैयारी कर ली हुई थी नए बॉल की मैंने और उमर गुल ने वर्ल्ड कप में बॉलिंग करने की। लेकिन मैच से जब कैंप ख़त्म हो गया तो लास्ट डे जब मैं जा रहा था तो उस वक्त कोई एक अजीब सी बात हुई, कोई रायवंड जाना था इन्होंने दुआ के लिए तो मैं नहीं जा सका, मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाता, तो उस एक बात को लेके मुझे वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप किया इन्होंने, और मैं हैरान परेशान कि ये इन्होंने, मतलब ये कोई ऐसी रीज़न नहीं है, कोई क्रिकेटिंग रीज़न नहीं है, कोई परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, कोई इंजरी की वजह से नहीं है, मतलब मैं वहाँ इनके साथ नहीं गया तो मैं टीम से आउट हो गया, ये बात बिल्कुल हज़म होने वाली नहीं थी। जब ये वाला सीन हुआ उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल मायूस होके मैंने कहा मैंने पाकिस्तान के लिए एफर्ट भी नहीं करनी, मैं फिर ICL ज्वाइन की, वहाँ चला गया और इंग्लैंड में मैंने अपनी लीग वगैरह खेलना शुरू कर दी, यानी वो फिर से मेरे साथ वही काम इन्होंने किया जो एक दफ़ा 2000 में किया, 2001 में, और वो 2007 में आके फिर उन्होंने वैसा ही किया, तो मुझे एक बड़े इवेंट से विदाउट एनी रीज़न इन्होंने ड्रॉप कर दिया, जो जिसका मुझे शायद सारी ज़िंदगी इसका गिला ही रहेगा। जी बिल्कुल शाहिद भाई, मैं आपके साथ टोटली एग्री करता हूँ, इस चीज में कोई दूसरी राय नहीं है। 2007 में आपका नाम बिल्कुल आ रहा था, शामिल था, आपने ये भी हमें इतनी जो है ना, हम जैसे लोग जो होते हैं जो क्रिकेट के मामलात पे नजर रखते हैं दूर से, हमें इतनी इतला तक भी मिल चुकी थी कि आपने तो अपनी जो शर्ट होती है उसका साइज भी दे दिया हुआ है, ये यहाँ तक ये कंफर्मेशन भी थी, मगर जी इसके ट्रैवलिंग बावजूद ड्रेस, आपको हाँ नहीं ले जाया गया, इसके बावजूद आपको नहीं ले जाया गया, और राव इफ्तखार को आई बिलीव आपकी जगह पे शामिल किया गया टीम में, बट फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी टीम का हशर हुआ 2007 के वर्ल्ड कप में, वो भी तो सबके सामने है। शाहिद भाई, ये तो क्वेश्चंस थे आपके कैरियर के मुतालिक जो आपने फेस किया, अब आप जो प्रेजेंट पाकिस्तानी टीम है इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो अपकमिंग बॉलर्स हैं या ऑलराउंडर्स हैं जिनको चांस मिलना चाहिए और जिनको अभी तक चांस नहीं मिल पा रहा या प्रॉपर तरीके से नहीं मिला आपके ख्याल में? आपने PSL भी देखी होगी या इसके अलावा भी? जी, अभी एक नए बॉलर आए हैं शानवाज, वेरी गुड बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं, उनको अभी वसीम ने टीम में लिया भी है, और इसी तरह एक अरशद लड़का है कराची के, अरशद नाम के बॉलर हैं, वो भी अच्छे हैं, उन दोनों को इन्होंने ले लिया हुआ है। एक दो बॉलर रह गए हैं पीछे, आई होप के वसीम की नज़र में होंगे, वो ज़ाहिर है इतने सारे बॉलर्स एक साथ वो नए ले नहीं सकते थे, तो उनको वन बाई वन करके वो टीम में ले लेंगे। हसनैन को भी ले लिया हुआ है, टीम के साथ हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे बॉलर लाइन में पीछे पड़े हुए हैं। फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है,
बहुत सारे बॉलर हैं, बहुत सारे स्पिनर्स भी इस PSL से सामने आए हैं, तो आई होप कि बॉलिंग के मैदान में पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है अगले 5-7 साल। जी, दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। शाहिद भाई, इसके अलावा आप कोई मैसेज द एक्सप्लिसिट एनालिसिस जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है उसके जरिए जो यंग एस्पायरिंग बॉलर्स हैं उनको या क्रिकेटर्स को देना चाहें? ऑब्वियसली ये प्रोग्राम जो है टारगेट ह्यूज टारगेट तक पहुंचे, ये हमारी ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा जो है ना वो हमारी ख्वाहिश होगी और कोशिश भी होगी, तो आप कोई मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं अभी बहुत सारे बॉलर्स जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के पास आए हैं PSL में, हमने देखे हैं, लेकिन एक चीज़ पे फोकस रखें कि आपने पाकिस्तान खेलना है तो आपको डेफिनेटली डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। अगर बॉलर हो तो बॉलिंग में, बैट्समैन हो तो बैटिंग में, आपको आउट करने हैं, आपको रन्स करने हैं, लेकिन आप अपनी लाइन और लेंथ को, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को बता रहा हूँ कि अपनी लाइन और लेंथ पे फोकस करें, क्योंकि मैंने कुछ बॉलर्स को देखा है वो 160 का रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में बॉलिंग इतनी गंदी कर रहे हैं। जैसे अभी कल एक वनडे मैच हुआ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, तो रऊफ की, क्या नाम है उसका, उस्मान, हारिस राउफ। हाँ, कल जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका का, अगर उसमें देखें तो हारिस रऊफ ने इतनी तेज़ बॉलिंग करने के चक्कर में इतनी मार खाई है कि 10 ओवर में 72 रन्स उनको लगे हैं। आप तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश ज़रूर करो, लेकिन पहले टीम में जगह पक्की करो, पहले टीम के लिए परफॉर्म करो, अपने लिए परफॉर्म करो। जब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे टीम में आपकी जगह नहीं बनेगी, जब जगह नहीं बनेगी तो फिर आप खुल के बॉलिंग नहीं कर पाओगे। आप 160 का रिकॉर्ड तोड़ लेना, लेकिन पहले टीम के लिए खेलें। तो यही मेरा मैसेज है बॉलर्स के लिए कि आप 160 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पहले मैच से ना जाएं, पहले अपनी बॉलिंग शो करें, अपने आप को एक अच्छा बॉलर साबित करें, फिर 160 तोड़ने के लिए जाएं।